वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज हम वतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये एक बाबे की फोटो मेरे हाथ लगी है, एक वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगा है। पहले मिला था को 2-2.5 मिनट का, तो बाबे की मैंने रज के छतरौल की थी, और आज किसी पेज से मुझे घूमते घूमते ये 5-5.5 मिनट का क्लिप मिल गया। बाबे ने तो बड़ा अन्न मचाया यहाँ भाई, बड़ा बाबे ने अन्नी डाली हुई है। ये बड़ा ठरकी तो बाबा, बड़ा सेक्सी है, बड़ा खोती में आधा बच्चा। बाबे पे गुस्सा मुझे घट है, मुझे ज्यादा गुस्सा उन पे, अभी मैं क्या बोलूं, उन बेगैरतों पे है, उन खसी लोगों पे है, खसी भाइयों पे है, खसी खसमों पे है, जो अपनी मशीनें यहाँ बाबे के साथ छोड़ रहे हैं। आखिर इसका कोई भाई होएगा इस औरत का, कोई बाप होएगा, कोई इसका मियां होएगा, इसका कोई बेटा होएगा? किसी में गैरत है जो बाबे के साथ मशीन अपनी छोड़ी हुई है? हालांकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक औरत को उसका मियाँ देख सकता है, उसका बेटा देख सकता है, उसका भाई देख सकता है, उसका बाप देख सकता है। अल्लाह ने कुरान में यह भी फरमाया कि औरत को उसका ससुर भी नहीं देख सकता, वो भी नामहरम है, देवर भी नामहरम है, जेठ भी नामहरम है। लेकिन ये यहाँ तो 400 नामहरम बैठे हैं, और 400 नामहरमों में एक मशीन छोड़ी हुई है। मैं ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार उस बगैरत को ठहराता हूँ जो यहाँ अपनी मशीनें लेके आते हैं। ये देखो, एक बच्ची आई है, ये भी मशीन चंगी भली, ये पूरा भार चक्कर वाली मशीन है। ये देखने में छोटी सी, छोटी छोटी कम बड़ा चुक दिया। मुझे गुस्सा इन पे ज्यादा, देखो इसके मुंह पे नकाब था, बाबा जी ने नकाब खींच के उतार दिया ताकि कैमरे के सामने बाबे की खबासत भी आए और इसको भी कुछ गैरत आए, इसके बाप को, भाई को, जिसकी ये मशीन है। देखो लड़कों को तफे मार मार के आगे करता जा रहा है, लेकिन जो लड़की आती है उसको साथ लगा लेता है, उसको कोडी कर लेता है। अभी देखो एक मशीन आएगी हल्के ब्लू कपड़ों में, उसको कोडी करके उस पर हाथ फेरेगा। जो लड़का आता है, ये खोते दियो पुत्रो, ये सजदा अल्लाह को करना है, ये सजदे अल्लाह को मकसूद है। और पाकिस्तानियों मोस्टली जाहलो, अब अगर सब मेरे पे तपेंगे ना मेरी इस बात पे, इसका मतलब जो भी मेरे पे तपेगा वो बेगैरत भी है, वो जाहल भी है, वो खोती माँ का बच्चा भी है। जो पाकिस्तान में अच्छे बंदे हैं उनको चाचे का सलूट है, जो शिर्क नहीं करते, जो बेईमानी चोरी चिकारी बेगैरती नहीं करते उनको चाचे का सलूट है। लेकिन जो यहाँ अपनी अपनी मशीनें बाबे के सामने ले आके कोडियां करंट है या कोड़ियां बनवा रहे हैं, वो तो मैं इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह करे मेरा वक्त आए, मेरा टाइम आए पाकिस्तान। अभी देखो ये जो मशीन है चंगी पलिया, 12-14 कारीगर छोड़ दिए तो 12-14 कारीगर थक जाएंगे। ये मशीन थकने में चंगी पली रैली मशीन है, लेकिन इसे बगैरती अभी पैसे सिटेगी, फिर बाबे को जाके सजदा करेगी। पाकिस्तानियों मेरे पे तपने से पहले अब ये मशीन के कारनामे देख लो, ये बाबे के सामने जाएगी, बाबे को सजदा करेगी, बाबे के सामने घोड़ी बन जाएगी, जिसको तुम बोलते घोड़ी बन गई। अभी बाबा जी घोड़ी को थप भी दे रहे हैं और घोड़ी के पूरे जिस्म पे हाथ फेर के घोड़ी को तैयार कर रहे हैं। और मुझे बाबे पे गुस्सा काटा है, इस घोड़ी के पे पे गुस्सा, इसके बाप भैन पे, मैं मेरे मुंह चो गंदियां गंदियां गाड़ा निकल रही हैं। वो बगैर तो बाबे का कल्चर खत्म करो, और तुम्हारे घरों में ज्यादा बच्चे बाबे ही पैदा करते हैं, फिर नाम लख देते हो पीरा दिता। पीर कैसे बच्चे देते, मैं पहले क्लिप में बता चुका हूँ, जो दूसरे कमरे में भेज गए लड़कियों को बोलते ना, कभी भी जाके नाला खोल ये नाले, और देखो देखो क्या पाकिस्तानियों, और कुछ शर्म करो, तुम्हारी तबाही की, तुम्हारी बर्बादी की ये जहालत वजह। देखो जो भी लड़की है उसको कोडी कर लेता बाबा, और जो लड़का था उसको तफा मार के परे भजा देता है। हालांकि अगर इसको बराबर अपने मरीदों से प्यार हो, जो लड़का आए मेल उसको भी उतने प्यार करे, उसको भी साथ उतने लगाए। लेकिन जो मशीनें आती हैं उनको कोडियां कर लेता है, गर्म करता रहता है, और कुछ मशीनें बाबा जी को पीछे दबा रही हैं, बाबा जी को पीछे एक्सलरेट कर रही। बाबा ए सेक्सी बाबे सेक्सी, ये ठरकी बाबे ठरकी। पाकिस्तानियों मैं इससे तुम्हें बचाना चाहता हूं। अभी बाबे के और करतब देखो, ये तो कैमरा बंद करवा दिया, किसे खोती माँ के बच्चे ने कैमरा बंद करवा दिया, नहीं तो पता नहीं यहाँ इस दरबार पे क्या क्या खबासत हो रही है। अल्लाह ताला का गजब है, और अल्लाह ताला का कहर ने देखो, ये जो बच्चा इस लड़की की गोद में दिया, अभी तेरे पास बच्चा आ गया बाबे के साथ चिपकने की क्या जरूरत है? वो बगैरत का बच्चा परे चल गया, साफा गाल में डाला हुआ, किसे दल्ले पे दा पुत्र, अपनी मशीन बाबे के हाथ में देकर लो बाबा जी इसको फिर घेर दो,
फिर एक बच्चा तैयार कर दो और डुब के मर जाओ बगैर तो अपनिया मशीना बाबिया को जाके चलवाण वाले हो। फिर कहते चाचा गाला कड़दा अभी बाबे क्या करतूत, और देखो एक और मशीन आएगी वो जो पहले घोड़ी बनाई थी, बाबा जी उसके चेहरे से लेके उसके टेढ़ तक हाथ फेरेंगे। और मुझे ये गुस्सा आता है पाकिस्तानियों, और तुम्हें बच्चे अल्लाह देता है और तुम्हारा राजक अल्लाह है। ये मशीन फेर आई एक जी, ये मशीन पहले बाबा जी ने आपके सामने कोडी की थी, घोड़ी बनाई थी, अभी मशीन के देखो बाबा जी कैसे चेहरे से लेके उसकी छातियों तक उसके पेट तक हाथ फेरेगा। फिर कोई बगैरत मां का बच्चा कैमरे वाले को बोलेगा क्या देखो बाबा जी उसके मुंह में मुंह, अब बाबा जी उसके मुंह में मुंह डाल रहे हैं पाकिस्तानियों, और डुब के मर जाओ अपनी मशीना यहाँ लाने वालों, और बगैर तो अपनी मशीना खुद चलाओ है। और जब बाहर मशीना चलाओगे तो प्रोडक्शन भी बाहरली होती है, प्रोडक्शन बल्कि हरामदी होती है, वही प्रोडक्शन फिर तुम्हारी असेंबलियों में जाती है, वही प्रोडक्शन फिर तुम्हारी पार्लियामेंट में जाती है। और फिर ये कैसे, ये देखो बाबा जी के कर्तव्य देखो, ये किसी कुत्ती मां दे बच्चे ने कैमरा बंद करवा दिया, क्यों इसके बाद बाबा जी पता नहीं क्या अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले थे, इसके बाद पता नहीं बाबा जी पोर्न फिल्म बनाने वाले थे। और पाकिस्तानियों बच जाओ इस चीज से, तुम्हें बचाता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।